वाह वाह वाह, मजे आ गया शरद पूनमनी रात। मुंबई का ट्रैफिक जी। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब। अरे भाई हैप्पी शरद पूनम। आपको भी आपको भी। वैसे एक बात कहूँ जेठालाल, आजकल हर ओकेजन के आगे हैप्पी लगाने का तो फैशन ही हो गया है। बराबर है। बताओ कैसे याद किया? अरे भाई एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। आज शरद पूनम की रात है और हमारे पास फल्गुनी पाठक के जो डांडिया हो रहे हैं उधर गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उसके छह पास आए हैं। हाँ तो हम लोग चार और आप दोनों शाम को तैयार रहना, सब मिलकर जाएंगे, धमाल करेंगे। हैं? अरे वाह क्या बात है जेठालाल, फाल्गुनी पाठक का गरबा प्रोग्राम मजा आ जाएगा। क्या फाल्गुनी पाठक जी वापस गोकुलधाम में आने वाले हैं? तारक देखो मैं उनको ना घर पे बुला के आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाऊंगी, उससे उनकी आवाज और अच्छी हो जाएगी। एक मिनट अंजलि, फाल्गुनी पाठक हमारी सोसाइटी में फिर से नहीं आ रही है, हम लोग गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब जा रहे हैं उनके प्रोग्राम में। क्या हमें वहाँ जाना है? ओ माय गॉड और मजा आएगा। हेलो 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 मेहता साहब, मेहता साहब। हाँ जेठालाल बोलो। भाई आप अंजलि भाभी से ज्यादा बात मत करो। क्यों? अरे हम शाम को लेट हो जाएंगे भाई, मतलब उनको बोलो अभी से तैयार होना शुरू कर दे ताकि हम लोग उधर टाइम पे पहुंच सके। बिल्कुल ठीक है तुमने, करेक्ट करेक्ट। चलो फिर मिलते हैं शाम को। हाँ ओके ओके, आप रेडी रहना। हाँ ओके। जरा सभी को फोन कर देता हूँ, सबसे पहले सोढ़ी। अब बोल भाई पिड़ू, कैसे सवेरे सवेरे याद किया यारा दिलदारा, मजा आ गया। और मेरे को यकीन है कि शिक्षक का फोन आया तो आज का दिन तो मेरा वाहेगुरु जी की कृपा से जबरदस्त निकलेगा। बता बता कैसे याद किया? अरे देवा हाँ मानुस काय खातो, मुझे यहीं से सुनाई दे रहा है वो क्या बोल रहा है। मैं क्यों फोन करता हूँ इसे? अरे सो मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे? तू सो गया क्या? अरे नहीं नहीं सो नहीं गया भाई, जाग रहा हूँ जाग रहा हूँ। सुन मैंने फोन इसलिए किया था कि आज रात को फाल्गुनी पाठक का स्पेशल गरबा का प्रोग्राम है। ओए हो अच्छा आ जाएगा, ओ हम सब जाएंगे वहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बता, फाल्गुनी पाठक जी जो है वो साथ में गरबे के भंगड़ा भी करती है ना? नहीं भाई नहीं, वो सिर्फ गरबा का ही प्रोग्राम करती है। ओह कोई गल नहीं यार, वो जो भी करती है बहुत बढ़िया करती है, हम सब भी मिलके जाएंगे और वहाँ पे भंगड़ा गरबा दोनों मिलके कर लेंगे। हाँ। पर यार एक बात बता, वो दया भाभी जी और जेठा भरा हर बार हमको नवरात्रि पे लेके जाते हैं ना? हाँ बराबर है तेरी बात, तू एक काम कर जरा एक मिनट होल्ड रख, मैं सभी को फोन करता हूँ और हम लोग कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं। एक मिनट होल्ड करना। ओके साहब को पहले फोन लगाता हूँ। बोलिए बोलिए सोसाइटी के सचिव महोदय, कैसे हैं आप? हाँ मेहता साहब, आज शाम को क्या प्रोग्राम है? अरे आज शाम को असल में जेठालाल का फोन आया था, जेठालाल बता रहा था कि फाल्गुनी पाठक का कोई स्पेशल गरबा प्रोग्राम है तो वहाँ चलना है, तो शाम को तो वहाँ जा रहा हूँ। बताओ कोई खास काम? नहीं नहीं बाबू कुछ नहीं, ऐसे ही सोसाइटी का एक काम था, मैं बाद में बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो। बच गया, वरना मेहता साहब जेठालाल को फोन करते और जेठालाल मुझे फोन करता पास के लिए और फिर उसका ऑब्लिगेशन लेना पड़ता। बड़ा झाला भी डॉक्टर हाथी। ओए पापा जी, ओए पापा जी। शायद बिजी होंगे पेशेंट के साथ, एक अय्यर को लगाता हूँ। आत्माराम। हाँ आत्माराम बोल। हाँ अय्यर एक मिनट होल्ड करा। हाँ हेलो सोढ़ी। अरे पिड़ू अब तेरे को नींद आ रही है तो सो जाना, कितनी देर मेरे को होल्ड कर आगे रख दिया यार। अरे भाई सुन मेरी बात, अभी तू मैं और अय्यर तीनों हम लोग कॉन्फ्रेंस पे। अच्छा कोई अर्जेंट बात है क्या? अरे सॉरी कोई अर्जेंट काम नहीं है, मेरे को लगता है कि ये आदमारा हमने नया मोबाइल लिया है इसलिए हम सब लोगों के साथ में कॉन्फ्रेंस का प्रैक्टिस कर रहा है। ओ ये बात है। अरे नहीं भाई अय्यर आज रात का प्रोग्राम तय करना है। ओ कैरम का
वैसे भी बड़े दिन हो गए हैं। थोड़ी आज शरद पूर्णिमा है। हाँ तेरी सॉरी सॉरी यार। अच्छा बता फिर किस चीज का प्रोग्राम है, जल्दी बता यार। हाँ प्रोग्राम ये है कि आज रात को गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में फाल्गुनी पाठक जी का स्पेशल गरबा प्रोग्राम है। अरे हाँ हाँ आदवाराम, मेरे को बबीता ने बताया था, पर पास तो छह ही है ना। हाँ बराबर है, और उसी पास पे जेठालाल फैमिली और मेहता फैमिली वो सब वहाँ पे जाएंगे। हम लोग अलग से जाएंगे और वहाँ पे जाके पास खरीद लेंगे। अरे हाँ आदवाराम, देखो कॉन्फ्रेंस में मैं, सोडी और तुम हो, तो डॉक्टर हादी को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया तुमने? अरे हाँ। अरे यार मैंने उन्हें फोन किया था, सिर्फ रिंग बज रही है, वो फोन ही नहीं उठा रहे। और अपने पोपू यानी पत्रकार पोपटलाल को फोन किया कि नहीं? अरे हाँ यार मैं तो भूल गया उसे फोन करना। अरे आत्माराम तो पहले उसको फोन करो, नहीं तो वो बोलेगा कि मेरा पत्नी नहीं है तो तुम सब लोग मेरे साथ में अन्याय करते हो। हाँ पहले फोन करो उसको। करेक्ट बोला यार। खरे खरे मैं अभी उसे फोन करता हूँ, रुको रुको एक मिनट। पोपटलाल ओहो, एक मेरे सेक्रेटरी साहब। हाँ बोल भिड़े, कैसे याद किया? एक मिनट पोपटलाल। हाँ अभी पोपटलाल तू अय्यर और सोड़ी कॉन्फ्रेंस पे है। अब पिड़ो, और तू भी तो लाइन पे है, ये भी तो बता यार। बाबू क्या बात है भाई भिड़े, आज कॉन्फ्रेंस खेल रहे हो? अरे नहीं भाई, मैंने इसलिए फोन किया था। बोलो बोलो भाई। आई बात समझ में? अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भिड़े, जरूर जाएंगे फाल्गुनी पाठक के गरबा में। हो सकता है मुझे वहां पर मिसेस पत्रकार पोपटलाल मिल जाए है? और जरूर हम मिलके पंगड़े भी कर देंगे यार। कोणा से कहा है तो कोणा से कहा है। हाँ भाई लेकिन हम लोग वहाँ पे जल्दी जाएंगे और पास ले लेंगे। वाकई तू ना कमाल 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 है यार, और घर में स्विमिंग पूल है और तू नहाने के लिए बाहर तालाब में जा रहा है। स्विमिंग पूल तालाब, क्या क्या समझा नहीं मैं सोड़ी। ओ यार मैं समझाता हूँ शिक्षक, तू है पर समझाना मुझे पड़ रहा है तेरे को। जो अपना जेठा पर आया जो नवरात्रि के सारे बंदोबस्त करता है, यानी हमारे लिए पास का बंदोबस्त करेगा, वो स्विमिंग पूल है। और तू गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब जो तालाब है वहाँ जाकर टिकट खरीदने की बात कर रहा। अरे देवा, अरे लेकिन जेठालाल को परेशान क्यों करना सोड़ी। अरे भाई भिड़े इसमें क्या परेशानी। हाँ अपने जेठा बरागी वहाँ पे क्या जबरदस्त पहचान भी है। अरे लेकिन हम लोग खुद अगर वहाँ पर जाकर पास ले सकते हैं तो जेठा को ऑब्लिगेशन लेना ही क्यों? देखो सॉरी पोपटलाल, आत्माराम एकदम करेक्ट बोल रहा है। हाँ? जेठालाल को ऑब्लिगेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई इसमें क्या ऑब्लिगेशन, हम लोग जेठालाल को पास के पैसे दे देंगे। अरे लेकिन पोपटलाल अगर जेठालाल के थ्रू पास लेंगे तो वो ऑब्लिगेशन ही हो जाएगा ना, और जेठालाल हमारे लिए किसी और के पास पास मांगेगा तो वो उसका ऑब्लिगेशन लेगा, तो इतने सारे ऑब्लिगेशन लेने ही क्यों? क्या बोल रहे हो भाई भिड़े, हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं परिवार की तरह, तो उसमें क्या ऑब्लिगेशन। हाँ तुम भी बेकार में चिक 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 चिक। पोपटलाल एक बात बताओ, तुम पास का पैसा खर्च नहीं कर सकते? क्या किसने बोला मैं पास का पैसा खर्च नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हम लोग पास खरीद लेंगे ना। अरे हमारे जमाने में, आज के जमाने में आज ही और गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक के स्पेशल गरबा प्रोग्राम में जाना है। हाँ तो आज के जमाने की बात करो। करेक्ट है यार। हाँ हम सब तेरी बात मानते हुए जेठा प्रा की ऑब्लिगेशन नहीं लेंगे। हाँ और वहाँ पर जाकर खुद ही पास खरीद के जबरदस्त गरबा करेंगे और खुश, क्या बोलता है पप्पू? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर शाम को मिलते हैं। अब बिल्कुल मिलते हैं, जम के गरबा भंगड़े के साथ करते हैं। ओके टाटा सी यू। लेकिन एक मिनट, हम सब वहाँ पे जा रहे हैं, ये बात जेठा फैमिली और मेहता फैमिली को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वापस जेठा पास का अरेंजमेंट करने लगेगा और फिर से ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, नहीं बताएंगे। ओ सही बात है पिड़ू। ओए सही बात से याद आया, अपने डॉक्टर हाथी प्रागो फोन करके भी अपने प्रोग्राम का बता देना। हाँ भाई हाँ, मैं उनको वापस फोन कर दूंगा।
हाँ तो भाइयों ये तय रहा कि हम लोग सभी गोकुलधाम वासी आज रात को गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में फाल्गुनी पाठक के स्पेशल गरबा प्रोग्राम में जा रहे हैं। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल यस यस और चंगा जी चंगा भिड़े भाई। अरे अब्दुल आओ 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 भिड़े भाई ये आपका टूथपेस्ट के साथ नमक। थैंक यू थैंक यू भिड़े भाई। हाँ आप लोग फाल्गुनी पाठक के स्पेशल गरबा प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं ना। हाँ अब्दुल को भूल गए ना। हाँ भाई भूल गए तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो। सवाल कैसा सवाल? सवाल ये है अब्दुल के अब तक इतने सालों में गोकुलधाम में ऐसा कौन सा फंक्शन हुआ है ऐसा कौन सा प्रोग्राम हुआ है जिसमें हम तुझे भूल गए हैं। अगर तू मुझे याद दिला सका तो आज के गरबा प्रोग्राम में मैं नहीं जाऊं और अगर नहीं दिला सका तो तू नहीं आएगा। भिड़े भाई आपने तो मुझे फंसा ही दिया ना। एक तरफ कुआ है एक तरफ खाई है इसका मतलब मैं तो जा ही नहीं सकता हूं ना प्रोग्राम में क्योंकि आप लोग मुझे कभी भूले ही नहीं। हाँ तो फिर आते बराबर क्यों बोला कि आप लोग मुझे भूल ही गए ना। मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी तो कब से मजाक ही कर रहा हूँ। अच्छा यानी मैं आ रहा हूँ ना। बिल्कुल थैंक यू शरबत। वाओ थैंक यू मधुरी भाभी। अरे शरबत के लिए क्या थैंक यू? नहीं रे नहीं आपकी वजह से फाल्गुनी पाठक के गरबे में जाने का प्रोग्राम न क्यों ना इसीलिए। मतलब शरबत के लिए थैंक यू नहीं शरबत के लिए पर थैंक यू। हाँ थैंक यू। क्या कोमल भाभी आप भी। वैसे दया भाभी के घर पर जब से पता चला है ना कि फाल्गुनी पाठक के प्रोग्राम में जाना है तब से बहुत मन कर रहा है कि हम सब साथ मिलकर गरबा खेलें। गलत है। बट एक प्रॉब्लम है हमने बहाना बना के दया भाभी को तो मना कर दिया पर वहाँ पे जब दया भाभी हमें मिलेंगी तो हम क्या कहेंगे? अचानक कह देंगे कि प्रोग्राम तय हो गया। मेरा मतलब है कह देंगे कि अचानक प्रोग्राम तय हो गया। ये अच्छा है। और कह देंगे कि आपको सरप्राइज देना था ना इसलिए नहीं बताया। राइट ऐसे हालात में तो हमें यही कहना चाहिए। एब्सोल्युटली। हां बाय द वे आप कौन से कलर के चनिया चोली पहनने वाले हो? चनिया चोली? अरे वो तो मैंने नवरात्रि में पहना था। तो इस बार क्या मिनी स्कर्ट? नो मैं तो एक मस्त साड़ी पहनने वाली हूँ। वाओ अच्छा तो हम कब निकले? अरे अभी अभी तो आए हो। अरे माधवी भाभी कब निकले मतलब प्रोग्राम जाने के लिए कब निकले? वो कहीं ऐसा ना हो कि दया बेन और हम लोग साथ साथ में निकले। दया भाभी को पूछ लेते कि वो कब निकलने वाले। एक काम करते हैं हम लोग उनके जाने के बाद निकलते हैं। हाँ लेकिन वो लोग लेट हो गए तो हम लोग उनके पिल्ले निकलते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है। यस तो फिर ये तय रहा कि हम सब अलग अलग जाएंगे ताकि दया भाभी की फैमिली को पता ही नहीं चले और वहाँ सीधे हम लोग पास काउंटर पे मिलते हैं। करेक्ट अच्छा आइडिया है। रखेंगे। आज फाल्गुनी बहन ने सामने से हमें गरबा में बुलाया है। जम के तैयार होगी। अरे माँ मैं अभी तैयार ही नहीं हुई। चलो मैं फोन रखती हूँ। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते कहाँ रह गए थे जनपना। चलिए आप तैयार हो जाइए। अरे पहले आप तो तैयार हो जाइए खनिज। आप एक बार तैयार होंगे उतने में तो हम 10 बार तैयार हो जाएंगे। अभी आपका नहाना बाकी है। अब एक बार नहोगी ना उतने में मैं 10 बार तैयार हो जाऊंगी। अच्छा चलिए नहा लीजिए। चलिए चलिए हिम्मत है तो खींच के ले जाइए। अच्छा मैंने भी अहमदाबाद का पानी पिया है। आपको खींचकर बाथरूम तक ले जाऊंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तो ये जना पना ने भी बचाव का पानी पिया है। हो सके तो अपने आप को बचाओ। चलिए
बाबूजी आपको लगा तो नहीं डॉक्टर हाथी भाई के पास जाना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने बचाव का पानी पिया है। लेकिन तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ है? नहीं नहीं मैं बस अभी क्या दुकान से आया बापूजी, तो तैयार होने ही जा रहा था। हाँ हाँ भाई जा जल्दी जा, तैयार हो जा। अभी अभी दो मिनट फटाफट हो जाता हूँ। फोन मैं लेता हूँ, तू जा। हेलो, अरे चाचा जी आप तैयार हो गए क्या? हाँ तू कौन? चाचा जी मैं तारक मेहता। हाँ बोल मैं तुझ। हाँ चाचा जी मैं बोल रहा था वो गरबा प्रोग्राम में जाने के लिए आप सब लोग तैयार हो गए क्या? अरे भाई एक बार तो बोला कि मैं तैयार हूँ, लेकिन तेरा दोस्त तैयार नहीं है, अभी आया है दुकान से। अभी अभी दुकान से आया और मुझे बार बार फोन करके बोल रहा है तैयार हुए कि नहीं, तैयार हुए कि नहीं। देखो अब दुकान पे कोई खास काम था क्या चाचा जी? अरे वो होगा भाई, तू अपनी बात करना, तू तैयार है कि नहीं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस तो फोन रख और कंपाउंड में मिल। हाँ मिलते हैं चाचा जी, मिलते अभी मिलते। ओह माय गॉड, आओ भाई आओ। आई चलो ना अंदर, बहुत मजा आ जाएगा भाई। आज तो और देखो मैं इतना खेलने वाला हूं, मजा आ जाएगा। तो अभी बहुत मजा आएगा। आई जल्दी अंदर चलो ना प्लीज। अरे हाँ बेटा पर पासेस तो आने दो। हाँ ये कहाँ रह गए? जल्दी अभी कर दो। अहो किधर रह गए थे आप? पासेस लेके आइए ना जल्दी से, जाइए। हाँ जाता हूँ, जरा सूडी को तो आने दो, वो अपनी जीप पार्क कर रहा है। हाँ हाँ सबसे पहले अंदर जाके दाय भाभी को सरप्राइज देंगे। अरे बहुत बहुत मजा आएगा। अरे मजा ही नहीं डबल मजा आएगा। अरे अय्यर भाई डबल मजा क्यों? अरे एक तो फाल्गुनी पाठक के साथ गरबा करने का मजा, और दूसरा जेठालाल अंदर शॉक्ड हो जाएगा उसका मजा। अय्यर जेठा जी शॉक तब होंगे जब हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए जल्दी से पासेस तो लाओ। ओ पिड़ो यार मजा आ गया, चलो भाई चलो बड़ा पार्ट। हाँ चलो सोड़ी पोपट लाल हम लोग चलते पास लेने के लिए। अय्यर तुम यही रुकना। बेटे की बारात में जिस जोश और उत्साह के साथ लोग जाते हैं, ठीक उसी तरह गोकुलधाम निवासी पहुंच गए फाल्गुनी पाठक के डांडिया प्रोग्राम के गेट पे, और पास काउंटर पे भिड़े सोढ़ी और पोपट पहुंच गए हैं पास लेने के लिए, जहां बड़ी भीड़ है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ने प्रॉब्लम्स की भीड़ न घेर ले। भाई प्रॉब्लम्स तो कुछ भी हो सकती है, मसलन प्रॉब्लम नंबर एक अगर पास नहीं मिले तो, प्रॉब्लम नंबर दो अगर पास नहीं मिले तो उस उत्साह का क्या होगा जिसके साथ ये यहां तक पहुंचे, प्रॉब्लम नंबर तीन क्या ये जेठा फैमिली और मेहता फैमिली यानी कि मुझसे और अंजलि से पहले अंदर पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, प्रॉब्लम नंबर चार अगर इन लोगों ने हमें सरप्राइज दिया तो क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर पांच ये फाल्गुनी पाठक के सुरताल के साथ डांडिया कर पाएंगे या नहीं, और प्रॉब्लम नंबर छह इन लोगों ने नहीं सोचा हो वैसी कोई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई तो, यानी कि कुल मिला के प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। किस्मत ने गोकुलधाम के निवासियों के साथ प्रॉब्लम का डांडिया खेलने का फैसला किया है, लेकिन आपकी किस्मत है हंसी हंसी, क्योंकि जब आप देखेंगे अगला महा प्रॉब्लम एपिसोड तो आप हंसे बिना नहीं रहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।